विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों की मनमानी और रिश्वत खोरी और बिजली बिलों में अहेरा फेरी और गरीबों के कनेक्शन सुचारू रूप से न कराए जाने पर भड़के व्यापारी, किया जमकर विरोध प्रदर्शन, XN को सौंपा ज्ञापन। अब खबर विस्तार से। रामपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल टीम ने आक्रोशित होकर बिजली विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की, साथ ही रिश्वतखोर अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई के लिए मांग की। वहीं अधीक्षण अभियंता नवाब केट बिजली घर पहुंचे तथा उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप अग्रवाल सोनी ने बताया गया कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जनता की सुविधा को देखते हुए पूरे प्रदेश में एक मुश्त समाधान योजना लागू कर रखी है, लेकिन विभाग द्वारा उसका भी पूर्ण लाभ का प्रचार प्रसार न कर नागरिकों को पूर्ण लाभ नहीं दिया जा रहा है, जिससे जनता जब समाधान कराने कार्यालय जा रही है तो निराश होकर वापस आना पड़ रहा है। इस अवसर पर व्यापार मंडल द्वारा मांग की गई कि आम जनता व व्यापारी हित में दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अति शीघ्र करवाई जाए। रिपोर्ट नाजिया खान। इतनी ज्यादा बदतमीजी कर रहे हैं, अगर कोई नागरिक यहाँ पर कार्यालय के अंदर आ रहा है तो उसको धक्के देकर उसके साथ बदतमीजी दुर्व्यवहार कर रहे हैं। मेरे साथ 60 साल 65 साल के व्यक्ति मेरे साथ में हैं, जिनके साथ में उनको इस तरीके से दुत्कारा जैसे किसी कुत्ते को दुत्कारते हैं, किसी की चपरासी को भी इनको नहीं दुत्कारेगा। इतना बड़ा बदतमीज व्यवहार कि उसको दुत्कार के कह रहे हैं कि हम ऐसा काम नहीं करते हैं, ले जाओ उठा करके ले जाओ, मत आना कार्यालय पर। ये तमीज किसी प्रकार की व्यवहारिक नहीं है। मेरी ये मांग है जिन्होंने ये बदतमीज व्यवहार किया है उनके खिलाफ निलंबित कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही रजा इंटर कॉलेज के जेई का मामला है, कनेक्शन के मामले में 2 साल से लगातार लेटर जारी हो चुका जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय से, इन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय का सम्मान नहीं समझा। अधीक्षण अभियंता महोदय कार्यालय पर इन्होंने अधीक्षण अभियंता महोदय कार्यालय का सम्मान नहीं रखा। माननीय मुख्यमंत्री जी का लिख के दे दिया, एक बार दो बार माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यालय के लिखे हुए का सम्मान नहीं। मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करी गई, मुख्यमंत्री पोर्टल की शिकायत का इन्होंने निरादर कर दिया। 2 साल हो गए लगातार धक्के खाते हुए, लेटर भी जा रही है, सबकी मार्किंग मौजूद है, सबका रिकॉर्ड मौजूद है। जिन्होंने ये कनेक्शन नहीं कराया उनकी मांग है कि साहब 50,000 रुपए दो। 50,000 रुपए देने में हर नागरिक हर गरीब आदमी संभव नहीं है। इन्होंने 50,000 रुपए लेके 35 कनेक्शन कर दिए। 17.5 लाख रुपए का घोटाला है, 17.5 लाख रुपए का गवर्नर घोटाला है। ऐसी स्थिति में मेरी ये मांग है माननीय श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से भी और एक्शन फर्स्ट महोदय से, ऐसे दुष्ट अधिकारियों के खिलाफ, ऐसे जालिम अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई होनी चाहिए जो 50,000 रुपए लेकर जो कनेक्शन करने को तैयार है और गरीब आदमी का कनेक्शन डीएम साहब के आदेश के बावजूद करने को तैयार नहीं, मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे कार्यालय से लिखा पड़ी में कार्रवाई होने को तैयार नहीं, सुपरिटेंडेंट ऑफ इंजीनियर के लिखा पड़ी होने के बावजूद तैयार नहीं। ये कितने बड़े हठधर्मी हो गए, कितने बड़े जालिम हो गए कि किसी का आदेश मानने को तैयार नहीं। इनके पास एक ही परिभाषा है, जो रुपया देगा, जो रिश्वत देगा उसकी कार्रवाई होगी, जो रिश्वत देगा उसी का कनेक्शन होगा। ये किसी की हमें स्वीकार नहीं की जाएगी, ये डूब मरने वाली बात है हमारे लिए। हम अगर ऐसी स्थिति में जनता काम नहीं करा सके तो हमें भी आत्मदाह कर लेना चाहिए, आत्महत्या कर लेने पर इन लोगों ने हमें मजबूर कर दिया है। ऐसे संगठन के पद पर बने रहने का किसी का भी कोई अधिकार नहीं है। अगर हम जनता की मदद नहीं कर सकते तो हमें मर जाना बेहतर है। माने और जो मुख्यमंत्री पोर्टल की कोई अहमियत नहीं समझे, उस अधिकारी को अपनी सीट पे रहने का कोई अधिकार नहीं जो आदमी जनता के हित की बात ना करे। क्या कह रहे हैं वो? बस वो आम जनता जाती है उसे बदतमीजी से बात करते हैं, झुतकारते हैं, जैसे कि अभी बताया महोदय ने, और उसे मतलब इनडायरेक्टली डायरेक्टली पैसे की बात करते हैं हमेशा। पैसे के अलावा कोई बात नहीं करते, पैसे पैसा दो और काम कराओ।
क्या नाम है मौलाना आपका? साहब हमारा भी यही कहना है कि गरीब जनता की आवाज़ को सुने और सुनने के साथ साथ वो काम करे। जनता इतनी परेशान रहती है, आप सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है, ऐसे लुटकार रहे हैं, ऐसे धलकार रहे हैं, तो आप बताइए आम जनता का क्या होगा। हमारा बस यही कहना है कि गरीब की जनता को सुनना चाहिए और सुनने के साथ साथ उसका काम भी करना चाहिए। क्या नाम है आपका? हरिओम सैनी। क्या है ये? ज्ञानवती कनेक्शन। एक ज्ञानवती नाम की विधवा औरत है, उसके 3 बच्चे छोटे छोटे जो पढ़ते हैं। इस साल वो फेल हो गए, 2 साल से लगातार वो इनसे गुहार लगा रही है कि हमें कनेक्शन दे दिया जाए, लेकिन उनसे पैसे की मांग की जाती है और धक्के दे के उसे कार्यालय से निकाल दिया जाता है। जबकि एक हृदय इंटर कॉलेज पर सब स्टेशन पर एक लड़का उनसे 5,000 रुपये ले भी आया है, जेई का नाम लेकर के, जिसका नाम है संजय। अच्छा। हाँ, और तब भी उनको कनेक्शन नहीं दिया गया। शिकायत करी किसी अधिकारी से? हाँ, डीएम साहब से शिकायत की, मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाला और बकाया एसी साहब से ये लेटर लिखवा के लाया। अच्छा। तब भी जेई और एसडीओ मानने को तैयार नहीं है। क्या कह रहे हैं? बोले जो तुमसे हो, जहाँ तक तुमसे भागा जाए भाग सकते हो, हम नहीं देंगे या रुपया दो। कितने पैसे मांग रहे हैं? क्या है? 50,000 रुपये मांग रहे हैं उस विधवा से, जिसके पास कोई बच्चे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं मात्र। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने बिजली का महकमा है, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, भ्रष्ट अधिकारी हो, उनका काम हो। जो इनको पैसे रिश्वत देता है उसका काम करते हैं, जो इनको पैसा नहीं देगा उसका काम नहीं करें, उसको परेशान करते हैं। एसडीओ साहब के पास चले आओ, एक्सएन साहब के पास धरना देने के लिए आए थे, शायद हो सकता है हमारा ज्ञापन दिया उसको ये मान लें। का जो जेई है वो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट अधिकारी है, वो सबसे पैसे लेता है पूरे ब्लॉक के अंदर। एसडीओ साहब के पास जाओ वो कहता है शाम नहीं मिलेंगे, उनके पास जाओ वो कहता है उनके पास मिलेंगे। जो जनता जाए तो कहाँ जाए? जनता हित की बात कौन करेगा? जनता हित की बात हमारे सोनी साहब हैं, वही करते हैं, वो आगे तक करेंगे, करते रहेंगे।